हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो. डोंट सिट आइडल. कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं होगा. आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं. गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई. अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं. अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा? टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा. पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, राइट? ये सब मिलता जुलता है. पत्ता, सट्टा, सुट्टा. इन टा से बच के रहो जी आप. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है. एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो. अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो. दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट. सेकेंड ऑप्शन क्या है? कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो. लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, not just in terms of education but overall. most important advice main aapko ye de sakta hu based upon my understanding and experience, ki kabhi bhi khali mat raho, kuch bhi karo. kuch aisa ho sakta hai jo aapke career se bilkul bhi related nahi hai lekin aapka man kar raha hai andar se karne ka, aur usme koi bahut badi investment nahi hai, na time ki na paise ki. for example, steve jobs ka naam suna hai aap logon ne? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी. कैलीग्राफी. अब सोचो कहां है कनेक्शन. ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी. लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है, चाहे वो कुछ भी हो. मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है, तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो. आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं. व्हाई नॉट?